अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म स्थित फूड स्टॉल में खाने का सामान खुले में मिलने से डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय नाराज हो गए। उन्होंने स्टॉल को बंद करने को कहा। वहीं वे मालगाड़ी के इंजन में बैठकर नर्मदापुरम तक पहुंचे। डीआरएम ने रात में यह निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर निरीक्षण के दौरान मेसर्स एसडीएन सन्स स्टॉल के बाहर वेंडर खुली खाद्य सामग्री बेचते हुए पाया गया। इस पर वेंडर के विरुद्ध कार्यवाही करने और स्टॉल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर निरीक्षण के दौरान इटारसी छोर पर रखा पार्सल और साफ सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई। इसके बाद डीआरएम ने भोपाल स्टेशन से मालगाड़ी के इंजन में सवार होकर नर्मदापुरम तक रात्रिकालीन संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान चालक दल से चर्चा कर उनकी सतर्कता और मुस्तैदी को परखा। वहीं ट्रेन परिचालन के समय इंजन की देखरेख एवं परिचालन के संबंध में सावधानी बरतने के संबंध में मार्गदर्शन किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने पायलटों के मोबाइल भी देखे, जो बंद पाए गए। इसके साथ ही रात्रिकालीन पेट्रोलिंग के तहत गश्त कर रहे पेट्रोलमैनों की सतर्कता और उपलब्धता को चेक किया। रात्रि में नर्मदापुरम स्टेशन का औचक निरीक्षण कर वहीं की व्यवस्था को जांचा। इसके बाद नर्मदापुरम से सड़क मार्ग से वापस भोपाल आए। बरखेड़ा पहुंचकर विभिन्न संरक्षक गतिविधियों की पेट्रोलिंग के निगरानी के लिए जीपीएस उपकरणों के साथ कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों को परखा।